गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सौराष्ट्र इलाके का 3 दिनों का तूफानी दौरा कर नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोला। इस नवसर्जन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हिंदू विरोधी और अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण जैसे आरोपों का भी जवाब देने का प्रयास किया। राहुल ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोलने के अलावा सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। कांग्रेस उपाध्यक्ष 3 दिन की गुजरात यात्रा के दौरान 5 मंदिरों में गए और राजकोट और जामनगर में गरबा में शामिल हुए। राहुल ने 25 सितंबर को द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा कर अपनी यात्रा की शुरुआत की और बुधवार को 1000 सीढ़ियां चढ़कर चामुंडा देवी के मंदिर भी गए। वे पटेल समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण कागवाड़ गांव के खोडल धाम भी गए। राजकोट लौटने पर राहुल गांधी जलाराम बापा के मंदिर भी गए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जबकि राहुल अपनी किसी चुनावी यात्रा के दौरान किसी मंदिर में जा रहे हों। इससे पूर्व साल 2009 में भी राहुल ने अम्बाजी मंदिर में दर्शन किए थे। इसके बाद 2016 में भी मेसराणा में एक रैली के लिए पहुंचे राहुल ने इस मंदिर में दर्शन किए। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।